जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी दोस्त है, मेरे जितने भी साधक भाई है, साधिका भाई बहन है, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर दोस्त है, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम हो। मैं साई दास आप सबके सामने फिर से एक गुप्त विद्या और जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ। तो वैसे तो आज हम लोग जा रहे जंगल के रास्ते में, उस दिन जो जंगल गए थे उस जंगल के रास्ते में आज जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जंगल किस तरह दिख रहा है आप सबको। ये रास्ते में है, अभी जंगल पहुँचे नहीं, और ये रास्ता सुनसान रास्ता है। इस रास्ते में रात 11 बजे के बाद कोई जाना आना नहीं करता है। रात 11 बजे तो दिन में तो कहीं भी आता नहीं है कोई भी। तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट रिएक्शन मुझे अच्छा लगता है कि हमको इंस्पायर करते हैं कि आगे बढ़ने में, ऐसे गुप्त से गुप्त जानकारियाँ देने में। तो आज है मैं और मेरे एक शिष्य जो मेरे घर के पास में रहते हैं, और अभी हम आ चुके हैं उज्जैन। उस दिन भी थे, आज भी है, कुछ साधना के लिए यहाँ 2-3 दिन हम रुकेंगे। यहाँ उज्जैन से ये 30-40 किलोमीटर दूर है, ये उज्जैन नहीं है प्रॉपर, उज्जैन से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो इस जगह मैं और मेरा एक शिष्य जा रहे हैं, जो बाटिका प्रेत साधना, जो मैंने एक शिष्यों को उस दिन से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कैसे क्या किया जाता है, वो आज मैं पूर्ण तरीके से बताने वाला हूँ। और आप सबको दूसरा भी कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, क्योंकि बाटिका प्रेत साधना जो है मंत्र के अलावा उस वीडियो में सब कुछ बताया गया था। तो काफ़ी लोगों का काफ़ी सवाल है, काफ़ी लोगों का सबसे पहले ये सवाल है कि हमारे पास तो कोई गुरु नहीं है तो हम कैसे करें साधना। देखो, मेरा सबसे पहले जवाब जो रहेगा वो ये है आप सबसे कि जिनके पास गुरु नहीं है वो सबसे पहले गुरु धारण करें। गुरु धारण यानी इंसानी गुरु, ना कोई देवी देवता को। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आधे से ज़्यादा साधक का ये मानना है कि हम शिव जी को गुरु मानेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। देखिए ये बात सही है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो शिव जी को प्रसन्न करने और विवश करने में होना पड़े कि आपको शिष्य माने और आपको मतलब वो कुछ विद्या सिखाए। ऐसा नहीं है कि हम मान लिए और गुरु हो गए। इसीलिए तंत्र शास्त्र में इंसानी गुरु का महत्व ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि वो हमारे साथ रह सके। अगर हमारे साथ ना रह सके भी, वो हमको पूर्ण तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इस रास्ते में हर जगह में कांटा बिछा हुआ है, रास्ते भर में कांटा है। कहीं पर भी थोड़ा सा चूक हुआ तो कांटा पैरों के अंदर घुस जाएगा, और ये कांटा जो है घुस तो जाएगा, निकलने का बहुत मुश्किल है निकलना, इंसान की जान भी जा सकता है। तो आप सब लोग समझदार है, मैं क्यों आप सबको ये बात बताना जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों का मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि आप हमें गुरु मतलब वो हम मुझे गुरु बनाना चाहते हैं, शिष्य बनाना चाहते हैं, मेरा शिष्य बनना चाहते हैं, वो मुझे गुरु बनाना चाहते हैं, पर मेरा चार्जेस ज़्यादा लेता हूँ इस वजह से वो मुझसे बना नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप सब लोग को ये बात कहना चाहूँगा कि क्यों मैं चार्जेस ज़्यादा लेता हूँ। क्यों का सवाल ये है, क्योंकि मेरा मेहनत उन लोगों से ज़्यादा रहता है जिन लोगों से 2,100 रुपया ले लेते हैं और उसके बाद आपका रिप्लाई नहीं करते हैं मैसेज का। हमारी तरफ से आपको माला से लेके यंत्र से लेके काफ़ी कुछ सामान दिया जाता है, और जब हम गुरु दीक्षा कोई धारण करता है हमसे, तो सबसे पहले एक हवन होता है, जिस हवन में 1008 आहुति दिया जाता है गुरु मंत्रों का। जिस बंदे को हम शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं उसका, चाहे हमारे साथ रहे या ना रहे, साथ रहे तो अच्छा होता है, नहीं रहे तो भी हवन दिया जाता है उसके नाम पे। उसका फोटो चाहिए होता है, उसका नाम और उसका जन्मतिथि और माता पिता का नाम चाहिए होता है। और उसके बाद ये तो हो गया हवन में जो खर्चा आया है, साथ में उसके बाद एक रह गया माला वगैरह का काफ़ी, और ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। और मैं एक ही बार में चार्जेस लेता हूँ, 10 बार नहीं लेता हूँ, ये पहली बात है। दूसरी बात है, ये मैं आप सबसे कहना ये चाहता हूँ कि हम आपको इतना सारे गुप्त ज्ञान दे रहे हैं,
उसका कोई ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है, कीमत नहीं होता है, ना ही हम कभी लेते हैं। हम पैसा जो है इस चीज़ों का लेते हैं, हमारी मेहनत का, जो हम घंटों घंटों बैठ के अब सब लोग को बताते हैं, बात करते हैं, सिखाते हैं, रात 2 बजे 3 बजे भी बात करते हैं। खैर ये बात मैंने इसीलिए बताया आज क्योंकि ये काफ़ी सारे भाइयों का सवाल था, एक दो का नहीं, बहुत सारे भाइयों का, कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, आप अच्छे ज्ञान देते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में लिखे और पर्सनल व्हाट्सएप में भी मैसेज आया, लेकिन आपके चार्जेस की वजह से। चलो खैर ये बात तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात है, क्योंकि कोई भी मंत्र मैंने उस दिन भी एक भी बात कहा था, अगर आप खुद मंत्र को जागृत कर सकते हैं, चढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले मंत्रों को जागृत करना सबसे जरूरी होता है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। कोई मंत्र को आप जागृत करके जाप करें, उसका ऊर्जा आपको महसूस किस तरह हो रहा है, और बिना जागृत करके आप जाप करें तो उसका ऊर्जा जो है किस तरह का महसूस हो रहा है, ये मुझे आप बताइएगा। उसके बाद चढ़ावा दिया जाता है, जिस भी इष्ट शक्ति का आप साधना कर रहे हैं, आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले एक चढ़ावा दें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। उसके बाद बाकी जो बातें रह गया है, मैं कुछ बात इसीलिए स्किप करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। बाकी आप लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो उसका तो कुछ बनता ही है। और एक बात कहना चाहूँगा, जो नया साधक है वो यहाँ वहाँ ना भटके, वो सबसे पहले गुरु मंत्र का गुरु दीक्षा लेके गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद उनका गुरु जो कोई भी हो उनकी आज्ञा के अनुसार आगे का साधना करें। यहाँ वहाँ भटक के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ हासिल तभी होगा जब आपके अंदर उस शक्ति को धारण करने का क्षमता होगा। ये बात मेरा याद रखिएगा। एक छोटी सी बात आप सबको कहना चाहूँगा, अगर बकेट में 50 लीटर का कैपेसिटी हो तो वो तभी जाके वो 50 लीटर का पानी को धारण कर सकेगा, अगर बकेट 10 लीटर का है तो उसमें 50 लीटर पानी नहीं आएगा, ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं। तो पहले अपने जो अंदरूनी शक्ति है उसको बढ़ाइए। हाँ, कुछ साधना है जो नया साधक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उनके लिए भी रखा हूँ हफीज जिन का साधना। हफीज है, हरबुज नहीं, हरबुज जिन्नात है, हफीज जिन है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और नया साधक कर्ण पिशाचिनी साधना तो कदाई ना करे, ना करे, सबसे बेहतर मैं कहूँगा। चुड़ैल साधना भी ना करे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मायने से ऊर्जा शक्ति रहना जरूरी है अपने अंदर। ऊर्जा शक्ति ना हो तो अपने गुरुबल रहना जरूरी है, ताकि आप सबको उस तरह का ये साधना में आप सब बच्चे को, क्योंकि वो उस तरीके के साधना में काफ़ी दिक्कतें आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी ऐसे बातें हैं जो साधक को जानना जरूरी है, वो सब गुरु से ही मिलेगा। क्योंकि कोई बंदा, मैं आपको एक छोटी सी आसान भाषा में समझा देना चाहता हूँ। देखो, कोई इंसान, आप किसी को पूछोगी कि दिल्ली से मुंबई का रास्ता किस तरह का है बाय रोड, अगर कोई वहाँ से चल के आया होगा या उस रोड पे वो सफ़र करके आया होगा, तभी वो बता सकता है कि आगे जाके ये आएगा, आगे जाके घाटी आएगा, या फिर कोई रास्ते में जंगल आएगा कि यह आएगा फलाना ढिकाना जो भी है, अगर वो खुद गया होगा तभी तो बता सकता है ना। अगर जिसने गया नहीं, बस सुनी सुनाई बातों को बोलता है, तो वो कैसा गुरु है? तो गुरु भी ऐसा धारण करे जिसके अंदर वो समर्थ हो कि आपको कुछ दे सके। तो गुरु उन्हीं को बनाया जाता है जो पहले से ही उस सब चीजों से करके आ चुके हैं। बाकी काफ़ी सारे आजकल वीडियो बना लेते हैं, जिनको तंत्र में कुछ आता जाता तो खैर भगवान जाने, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता हूँ, ना ही करूँगा आगे। उनको कुछ आता, मतलब तंत्र में दावा ठोक देते, कुछ तो भी ठोक देते हैं वो
काफ़ी सारे बात हमको सुनने मिलता है और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे से साधना भी मांगते रहते हैं। हंसी आता है कभी कभार कि लोगों को जब मूर्ख बनने में मतलब इन लोगों को माहिर कैसे मिल जाता है और इनकी बातें इतनी मीठी मीठी होता है कि लोग बन जाते भी मूर्ख बन जाते इनके पास आके भी वो मूर्ख बन जाते हैं। पहले थोड़ा सा समझदारी से काम लो, इंसान को परखो कि वो सही है क्या, किसी भी चैनल की बात कह रहा हूँ, इवन मेरे से भी। और एक दो दिन के बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो एक साधना देने वाला हूँ। बाकी आज एक साधक के बारे में मेरा जो एक शिष्य था, खैर उसने कर्ण पिशाचिनी साधना किया था, जबकि उसको मैंने मना किया था, स्पेशली मैंने मना किया था कि तू कर्ण पिशाचिनी साधना मत कर, तो उसने मुझे ये शब्द बोला था कि आप जैसा गुरु रहते हुए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, उसने मुझे ये कहा था। तो साधना के समय में तो मैं उसको रक्षा किया, साधना उसका सफल भी रहा। उसके बाद 2-3 महीने में उस बंदे ने तेजी से डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट मतलब उसके जो बंदा मतलब झोपड़ी में रहता था, आज उसके पास बंगलो है, महंगी महंगी गाड़ियां है, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने उसने डिप्लेक्स भी खरीदा अपना ओडिशा के भुवनेश्वर के में, और काफ़ी कुछ किया। पर सिद्ध होने के बाद एक बार भी उससे बताया नहीं कि गुरुजी मैंने ऐसे शक्ति प्राप्त किया हूँ, इसका आगे का कैसे क्या इसको इस्तेमाल करना है, कुछ बताया नहीं मुझे। और अभी उसको एक बीमारी से जूझ रहा है, वो है कैंसर, क्योंकि मुझे पता था पहले से ही इस तरीके का घिनौनी साधना से ऐसे ही अंत होता है साधक का, क्योंकि साधक को वो सारा सुख मिल जाता है साधक जो चाहता है, सारा सुख जो साधक चाहता है, मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, शारीरिक मानसिक और भौतिक, ये कुछ दिनों तक होता है। उसके बाद जो चीज़ आपको चकमक रंगीन दिखता है वो चीज़ काला पड़ जाता है, ऐसा होता है इन जैसे साधनाओं में। तो आज मैं जंगल की भी कुछ जगह आपसे शेयर करूंगा, पर जंगल यहाँ से काफ़ी दूर है तो आपको पहुँचने में भी दिक्कत हो रहा है। तो कर्ण पिशाचिनी का जो उसने तामसिक विधि किया था, उसने मेरे से पूर्ण तरीके से उसको मंत्र को जागृत करवा के चढ़ावा दिला के किया था, उसने शमशान में किया था, साधना 51 दिन का था, मंत्र अगर पंथ से, वो नहीं जो आप सोच रहे जो मंत्र, जो ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगल लचन स्वाहा, ये वाला मंत्र नहीं है। अगर पंथ का काफ़ी सारा मंत्र है और काफ़ी सारा बीज मंत्र ऐसे है जो तामसिक से परिपूर्ण होता है, जिसको जाप करने से ही काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये हो गया, तो उसने सिद्ध किया और काफ़ी सारा पैसा वगैरह भी कमाया, लोगों की कुछ दिनों तक भविष्यवाणी भी करने लग गया था, जबकि सत्यता ये है कि कर्ण पिशाचिनी किसी का भी भविष्य के बारे में नहीं बता सकता है, पूर्णतया ये मिथ्या है जो लोग बोलते हैं कि कर्ण पिशाचिनी भविष्यवाणी कर सकता है। दूसरी बात कुछ इस तरह का है कि लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सट्टे वगैरह का नंबर बता सकता है क्या, ये बात पूर्णतया सत्य है कि कर्ण पिशाचिनी सट्टे का नंबर बता सकता है। जो जो सवाल मेरे पास आता रहता है मैं उन्हीं का जवाब दे देता हूँ क्योंकि जो वर्तमान में चलता रहता है वो कर्ण पिशाचिनी बता सकता है। जैसे कि अभी क्या होने वाला है, मतलब जो वो हो गया फ्यूचर में आ जाता है क्या होने वाला है अब हम जंगल के भीतर एंट्री कर रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये पूरा जंगल का जो एरिया है, ये मतलब एक भी जगह जो है छोटा छोटा रास्ता है, बाइक तो नहीं जा सकता है अपना, तो इस वजह से घना जंगल है ये, लेकिन ये शुरुआत है, आगे बड़े बड़े पेड़ वगैरह सांप वगैरह काफ़ी कुछ दिखने को मिलेगा ये जंगल में। तो इस वजह से सांप के लिए भी हम एक डंडा भी लेके आए हैं, ये आप देख सकते हैं एक डंडा,
और हाँ, तो चल रहा था बात कर्ण पिशाचिनी के ऊपर। तो जो कर्ण पिशाचिनी है वो सिर्फ आपकी वर्तमान काल और जो बीत गया है आपका वो आपके दिमाग पढ़कर बता सकता है। और धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान ये कुछ दिनों तक दिला देता है, एक समय सीमा है इसका, इसका जो है वो एक समय सीमा तक दिलाता है, उसके बाद ये करता क्या है मैं बता रहा हूँ आप सबको। जिसको वो सब सारे सम्मान दिलाता है वो उसी से दोनों तरीके से लेता है, एक तो वो ऊर्जा शक्ति लेता है या फिर वो बलि मांगता है जो इंसानों का या इंसानों की बच्चे का। ये देख लीजिए आप, ये जो जंगल है ये काफी घना जंगल है, मतलब ये एक टॉर्च लाइट है जिसके जरिए हम अंदर तक जाएंगे। हमें अभी दो जगह जाना है, पहला जगह जो अपना जहां हम वाटिका प्रेत साधना करने वाले हैं एक शिष्य को, दूसरे जगह वो जाएंगे जहां जीवन जी को, जो जीवन जी हमारे साथ पीछे आ रहे हैं उनको हम एक प्रेतनी साधना करवाने जा रहे हैं। ये मंत्र से जो ये प्रेतनी के मंत्र जो है वो सात्विक है, लेकिन ये घर में नहीं किया जाएगा। घर में करने का काफ़ी सारे साधना ये बताया गया है, तो वैसे साधनाएं आपको करवाया जाएगा, तो उस तरीके का साधना आप कर सकते हैं जो घर में किया जाता है। दूसरी बात है, अब कोई भी सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जैसे भी आपको जानकारी चाहिए होगा जिस तरीके का। यहाँ रास्ता अच्छे से नहीं है फिर भी हम बना के जाएंगे रास्ता ताकि हम आपका जवाब दे सके। पूरा रास्ता ब्लॉकेज है, देखते छोटा मोटा रास्ता निकलता है क्या कहीं से। हाँ, यहाँ से एक रास्ता है। ये दिख रहा होगा रात में कैसे पक्षी बैठा है डाली पे, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद ये पक्षी आपको। जंगल में ये प्रकृति से हमें इसीलिए प्रेम है और कोई बात नहीं है। दिख रहे हैं ये पक्षी, ये जंगल के बीचों बीच कैसे बैठा हुआ है शांति से। आज देखते इसको एक बार टच करके देखते शायद ये उठ ना जाए, देखो उड़ के चला गया क्योंकि अपने रास्ते में आ रहा था तो इसी वजह से मैंने उठा दिया। कोई दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है, हम भी काफ़ी ज़्यादा पशुओं को प्रेम करते हैं। दूसरी बात है, हाँ मैंने कहा था कर्ण पिशाचिनी, वो जो इंसानों के दिमाग में चलता है वो अपनी शक्तियों के माध्यम से वो इंसानों के दिमाग को पढ़ सकता है, इस वजह से वो बखूबी से बता देता है कि इंसानों के दिमाग में क्या चल रहा है। कर्ण पिशाचिनी का जो साधक है सामने वाले के व्यक्ति का बता देता है, जो सामने उसके सामने आता है उसके बारे में वो बता देता है कि वो दिमाग में क्या सोच रहा है, किस लिए आया है। इस वजह से, इस कारण की वजह से कोई भी अगर इंसान कर्ण पिशाचिनी के साधक के सामने आता है तो वो चकित हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। ये देखो ये जंगली मेंढक जो जहरीला होता है, काफ़ी जहरीला होता है, देखो ये पेड़ में चढ़ के रहता है, इसको छूने से भी जहर फैलता है, देख रहे हो ये मेंढक जो है। ये हम जंगल में रहने का आदत है तो हमको पता है कि कौन से जानवर कितना जहरीला है, इसके लंबी जीभ निकलता है और एक काट देता है। तो खैर ये अपना काम नहीं है, हम अंदर तक जगह ढूंढ रहे थे, वो ये जंगल शायद गिरा पड़ा हुआ है कुछ पेड़ शायद, जो कुछ दिनों से पहले फनी आया था, जो उड़ीसा होकर शायद इस तरफ भी आया था शायद, लग रहा है ऐसा, क्योंकि अभी तो हम उज्जैन में हैं
इस वजह से यहाँ भी इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि पेड़ भी थोड़ा सा, शायद पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पेड़ काफ़ी सारा टूटा पड़ा हुआ है। चलो मैं अपने रास्ते में चलते हैं, थोड़ा बहुत रास्ता दिख रहा है, आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है, देखते। और हाँ, अब सबको लग रहा होगा कि मैं बकवास लग रहा होगा, समय आपका व्यतीत हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको इसी तरीके के रात्रि में साधना करना है, इसी तरीके के रास्ता में जाके करोगी तभी जाके सफलता प्राप्त होगा। जो तामसिक साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाकी जिन लोग सात्विक तरीके से घर में करना चाहते हैं, उनको उस जिंदगी के लिए मुबारक। हम लोग इस तरीके से करते हैं काम, वो मैं आज दिखा रहा हूँ आप सबको। ये जंगल की रास्ता है, सावधानी से जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ सांप वगैरह सब कुछ रहते हैं, तो देखकर जाना होता है। बाकी आप सब किसी भी तरीके का सवाल मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था, वाटिका प्रेत साधना, ये प्रेत क्या क्या कर सकता है, एक भाई ने मुझे सवाल पूछा था, उसका जवाब अभी मैं दे देता हूँ। ये प्रेत किसी का भी मारण कर सकता है, मतलब किसी इंसान को मार सकता है। वशीकरण मतलब किसी इंसान के दिमाग को वो अपनी तरफ बस में कर सकता है। विद्वेषण किसी भी दोनों इंसानों के बीच में कलेश पैदा कर सकता है, दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकता है। उच्चाटन वो होता है किसी की इंसान के किसी की भी मन को किसी भी जगह से उच्चाटित करना होता है, मतलब दूर भगाना होता है। कोई इंसान अपने घर में रह रहा है तो उस इंसान को अपने घर से दूर भगाना होता है। कोई इंसान जमीन में जमीन को जैसे कि हड़प के रखा है, तो वैसे इंसान को अपने जमीन से भी दूर भगाया जा सकता है उच्चाटन क्रिया के माध्यम से। तो ये इसी को कहते हैं उच्चाटन। स्तंभन, स्तंभन का जो देवी होते हैं वो माँ बगलामुखी है, और ये प्रेत स्तंभन भी कर सकता है, किसी भी चीजों को रोक सकता है, छोटे मोटे, बड़े से बड़े तूफान वगैरह को नहीं रोक सकता, इसके अंदर इतना क्षमता नहीं है। हाँ, तो वैसे ही ये जैसे कि षटकर्म और दशकर्म भी, ये नहीं, दशकर्म तो ये नहीं कर सकता, फिर भी षटकर्म ही आपका सुचारू रूप से करके दे देगा। जगह काफी ये है, मैं पूरा जगह तक आपको वीडियो बना के नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल, एक हाथ में टॉर्च, दूसरा इतना ज़्यादा बातचीत करके आपको नहीं ले जा सकता मैं। हाँ, तीसरा बात है, किसी भाई ने पूछा था कि ये वाटिका जो प्रेत है ये क्या डराता है, तो उसका जवाब है हाँ डराता है, क्योंकि कोई भी साधना जो है इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए मेहनत, पापड़ बेलना जरूरी होता है, डर लगता है हर वो साधना में जो घर से बाहर किया जाता है, हर किसी को लगता है, लेकिन साधक अपने दिल को मजबूत करके करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये छिलका निकाला और खा लिया, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है कुछ हासिल करने से पहले, तभी जाके कुछ हासिल होता है। और बिना मेहनत के कुछ हासिल होता नहीं है। तो वैसे ही वाटिका प्रेत कई सारी गुप्त जानकारी भी आपको दे सकता है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली प्रेत है जो प्रेतराज के साथ चलता है, और आप समझ सकते हैं जो प्रेतराज के साथ चलता है ये कोई छोटे मोटे शक्ति तो होगा नहीं, ये बात आप बखूबी से समझ सकते हैं, आपको समझाने का कोई इतना ज़रूरत है नहीं। और ये हाँ डराता है, थोड़ा बहुत डराता है, क्योंकि वो हर कोई शक्ति अपने साधक का परीक्षा लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होता है,
उसके बाद जाके उनसे मित्रता जो भी आप उनको बस में करना, देखो किसी ये एक शब्द जो है बस में करना, किसी भी शक्ति को बस में करना यानी बहुत बड़ी बात होता है। जो कुछ मतलब जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो पाखंडी तांत्रिक है, वो इस तरीके की बात बोलते हैं कि किसी भी शक्ति को बस में करना। सच में ये बात होता है, कोई भी शक्ति किसी के बस में नहीं रहता है, क्योंकि वो शक्ति है, उसके पास शक्ति है, वो आपके दिमाग को भी घुमा सकता है। आपको लग रहा होगा आप उसको बस में कर रखे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप उसके बस में होंगे। तो हम अब जंगल की तरफ और थोड़ा सा दूर है, अभी 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में अपना मैंने बाइक रख के आ चुका हूँ मैं। तो आप लोगों की जो सोच है वो सोच को पहले बदलिए, फिर जाके कुछ हासिल होगा आपको। इससे पहले कुछ हासिल होने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात होता है गुरु, गुरु धारण करें कैसे भी, चाहे मुझे करे या किसी और को करे, एक अच्छे गुरु धारण करना जरूरी होता है, ताकि वो आपको वही बात सिखा सके जो खुद करके आया है, जो खुद सिद्धियां हासिल किया है उसको पता होता है कि सिद्धियां कैसे होता है, कितना मेहनत करना होता है, जो उसका जो तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, वही आपको बता सकता है। ये देखो जंगल के अंदर का रास्ता कैसा होता है। आप सोच रहे हो कि रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं, ये रास्ता नहीं है, पचे हुए ये की वजह से ऊपर जा रहे हैं हम। वहाँ एक सबसे पुराना 100 साल से भी ज़्यादा ये जंगल के अंदर एक है, जो बटवृक्ष से जहाँ बटी का प्रेत साधना होता है, उससे थोड़ा आगे जहाँ हम ये प्रेतनी साधना करने वाले हैं, जो जीवन जी करेंगे प्रेतनी साधना, उस जगह पीपल का पेड़ है, काफ़ी साल पुराना। तो ये जंगल भी बहुत बड़ा है, और ये रास्ता देख रहे हो, ये कोई रास्ता नहीं है, ये चिपचिपा सा ये रास्ता है। चलो खैर, मेरा बैटरी भी बहुत डाउन होने को आ रहा है, अगली बार आऊंगा तो फुल चार्ज करके ले आऊंगा, फिर भी जब तक चल रहा है तब तक बात करते हैं आपसे। तो मेरा कहने का एक खून चूसने वाला कीड़ा है, लग गया है। देख रहे हो, जो खून चूसने वाला कीड़ा था उसको हमने हटा दिया है, क्या क्या देखने को मिलता है ये। तो जंगल के अंदर संभल के जाना पड़ता है। खैर, मेरा बैटरी भी वैसे डाउन होने को आ रहा है, और मैं आगे की काफ़ी रास्ता अभी सफ़र करना है, अभी 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है मुझे। तो आप सबसे मैं विनती चाहता हूँ, कोई भी सवाल हो बाटी का प्रेत संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं मुझे। जय योगराड़ू।